तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पर। आज एक्सप्लेन कर रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा गॉड्स वापस आ चुके थे और यहाँ पर उन्होंने होप को भी हरा दिया है और होप पहुंच चुकी है लिम्बो में, जहां पर वो मिल चुकी है लैंडन से। अब जानते हैं स्टोरी में आगे होता है क्या। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, और 100+ लाइक के बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में होप को देखते हैं लैंडन के साथ लिम्बो में, जहां पर वो एक दूसरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे और इंटीमेट होने लगते हैं। और गाइस होए भी क्यों ना, इतने लंबे टाइम बाद मिले, इंटीमेट होना तो बनता है इन दूसरे के साथ में। और यहां पर उस टाइम पे वो फेरीमैन होप को इशारा करने लगता है यहां से जाने के लिए, क्योंकि वो ट्रांजिशन में है वापस जिंदा होने के, और वो लिम्बो में ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकती है। बट यहाँ पर लैंड को हमेशा रुकना पड़ेगा, और होप यहाँ से जाने का प्लान नहीं बनाती है। यहाँ पर फेरीमैन उसको बार बार इशारे कर रहा था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो एक इमोर्टल है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे लैंड खुश है उसे पाके, बट उसे पता है कि होप वापस चली जाएगी कुछ टाइम बाद। बट यहाँ पर होप के कुछ और ही प्लान है, जहां पर वो फेरीमैन पे अटैक करके उसका हथियार छीन लेती है, जहां पर फेरीमैन कुछ टाइम के लिए शायद गायब हो चुका है। और अब उनके पास टाइम है यहाँ पर लिम्बो के कुछ रूल बदलने का, जहां पर लैंडेंट उसका साथ नहीं देना चाहता है, बट वो चाहता है होप के साथ रहना। तो वो उसके साथ जाने लगता है, जहां पर होप अपना दिमाग लगाते हुए सोचती है कि ये रियल वर्ल्ड की रेप्लिका है, तो यहाँ पर वो सब चीजें भी होंगी जो उसने रियल वर्ल्ड में रखी हैं। और यहाँ पर वो हथियार ढूंढ लेती है जो गॉड्स को मारने के लिए इकट्ठा करने लग रही थी स्कूल से, जहां पर अब लैंडेंट को पता चल चुका था कि उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और उसने गॉड से लड़ाई की। बट उसी लड़ाई के बीच वो यहाँ पर लिम्बो में आ चुकी है। उसे कुछ टाइम बाद रियल वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि वहां पर गॉड्स आ चुके हैं, तो शायद उसके दोस्तों को उसकी जरूरत हो। बट होप यहाँ पर रुकने का प्लान बना ही चुकी थी, और यहाँ पर वो जाता है अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए कि वो कैसे यहाँ पर रहने लग रहा है, वो क्या चीजें कर रहा है, जीनी ने क्या किया, और वो नेक्रोमेंसर के साथ में है। और यहाँ पर वो नेक्रोमेंसर से उसे मिलाने के लिए लाता है, और उसे लगता है कि शायद नेक्रोमेंसर सुधर चुका है इतने टाइम में, तो बट ऐसा नहीं था। नेक्रोमेंसर अपनी नेक्रोमेंसी पे फिर से उतर चुका था, और ये देख के होप समझती है कि वो शायद कभी नहीं सुधर सकता है। और यहाँ पर आते ही वो बहुत ज्यादा खुशी से मिलता है होप से, और ये देख के होप को बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। बट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्रोमेंसर ने मैजिक करके टेलीपोर्ट कर दिया था लैंडेंट को यहाँ से कहीं और, और ये देख के होप को गुस्सा आने लगता है, और हंसते हुए नेक्रोमेंसर को चाकू मारती है जो डार्क मैजिक से भरा हुआ था। बट यहाँ पर नेक्रोमेंसर पे उसको कुछ खास असर नहीं होता है, और वो साफ करता है कि उसने रियल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया है लैंडेंट को, और तुम दो लव बर्ड्स को एक साथ तो रहने नहीं देगा, क्योंकि वो लैंडेंट की मॉम सेरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और यहाँ पर लिम्बो में उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताने वाला है और नेक्रोमेंसी भी करेगा। और यहाँ पर उसने लैंडेंट को इसी खुशी में रियल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया है, और यहाँ पर उसके साथ खुश रहेगा, और तुम उससे कोई रिलेशन में नहीं रहोगी, तो तुम मेरी कोई रिलेटिव नहीं बनने वाली हो। और ये सब सुन के होप को बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, और तभी वो बोलती है कि तुम्हें बताया नहीं लैंडन ने कि उसने अपनी मॉम सेरा को पीस तक पहुंचा दिया है। और ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब तक नेक्रोमेंसर को पता ही नहीं था कि सेरा पीस की तरफ जा चुकी है, और उसे लगा था कि सेरा यहीं पर है और उसको पहली बार प्यार हो चुका था, जो बहुत ही अजीब था नेक्रोमेंसर के लिए भी। और उसे पता नहीं चल रहा है कि लैंडेंट ने उसे क्यों नहीं बताया इस सब के बारे में। बट फिर भी वो थोड़ा खुश होने लगता है कि यहाँ पर लैंडेंट से उसने बदला ले लिया, यहाँ पर होप और लैंडेंट साथ नहीं रहेंगे, तो उसे अपने आप पता चल जाएगा तो प्यार करने वालों को अलग करने का क्या रिजल्ट होता है। बट फिर होप एक्सप्लेन करती है कि उसे पता चलना चाहिए वो नेक्रोमेंसर है कि वो मरी नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए लिम्बो में है और अब वो रियल वर्ल्ड में चली जाएगी। और ये देख के तो अब और गुस्सा आने लगता है नेक्रोमेंसर को, क्योंकि उसके सारे प्लान फेल हो चुके थे। और अब रियल वर्ल्ड में हम देख पाते हैं इथन को एमजी के साथ में, जहां पर इथन अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग रही है, और ये देख के एमजी उसे बाहर जाने से मना करता है। बट यहाँ हेल्प करने के लिए आ चुकी थी लिजी। हम देख पाते हैं यहाँ पर लिजी हेल्प तो करना चाहती है, बट इसकी हेल्प लेना नहीं चाहता एमजी स्पेशली, और यहाँ पर जबरदस्ती अपने आप को बीच में इंक्लूड कर लेती है लिजी, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ना किसी की उसे हेल्प करनी चाहिए, वरना वो इतने टाइम से दूर थी और उसकी दोस्ती टूटना चाहिए कहीं एमजी से। बट यहाँ पर एमजी उसे थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है, और ये बात नोटिस कर पाती है लिजी, और उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए उसको हेल्प करने के लिए तैयार थी। जहां पर वो उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं जिसके पास सेम पावर है ईथन की तरह, और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिससे वो पता लगा पाएंगे कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग सिचुएशंस में। और इस बहाने एमजी के साथ लिजी ज्यादा टाइम बिता पाएगी, और यहाँ पर उसे बॉल पकड़ने के लिए कहते हैं, और बार बार वो टेलीपोर्ट होकर वो बॉल को पकड़ने का ट्राई करता है, और यहाँ पर उस बॉल को एमजी अपनी वैम्पायर पावर से बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है,
जिससे कि उनके पास थोड़ा टाइम हो बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जानना चाहती है लिजी उस मोमेंट में कि एमजी उससे क्यों नाराज है, उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पर वो उसे बात करने का ट्राई करती है पूरे रास्ते, जहाँ पर एमजी कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहा था। और यहाँ पर लिजी को लगता है शायद वो होप को मारने का ट्राई कर रही थी, या फिर वो हेरेटिक बन चुकी है, या फिर कोई और रीजन है जिससे कि वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा है। बट यहाँ पर एमजी रियल रीजन ना बताते हुए उसके साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देने लगता है, जहां पर ये टेलीपोर्ट होने वाला मॉन्स्टर यहाँ वहां जाने लगता है लोगों के सामने भी उस बॉल को पकड़ने के लिए। और इस वजह से कई लोग उसे देख लेते हैं और यहाँ पर इन्हें उन्हें कंपेल करना पड़ता है कि इस जानवर को भूल जाएं। और यहाँ पर वो जानवर आने के बाद मर जाता है। और ये देख के लिजी को लगता है शायद ये एक्टिंग कर रहा है, फिर थक चुका है। बट तभी एमजी समझ चुका था कि ज्यादा पावर यूज करके ये जानवर मर चुका है और अब शायद ये टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। और ये देखते हुए दोनों टेंस होने लगते हैं और वापस स्कूल के अंदर आने के बाद एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है इथन के लिए। जितनी उसने पावर यूज की शायद उसकी वजह से और गड़बड़ होने वाली है उसके साथ में। और यहाँ पर लिजी पूछना चाहती है एमजी से कि वो उसे दूरियां क्यों बना रहा है, क्योंकि वो बचपन से दोस्त हैं। फिर भी यहाँ पर लिजी से दूर होते हुए जाने लग रहा है एमजी। और कभी ना कभी एमजी पीछे पड़ा रहता था लिजी के और हर टाइम पे उसके साथ ही रहता था, बट ऐसा शायद अब नहीं होने वाला है। और ये पता करने के बाद लिजी पता करती है रियल रीजन का, क्योंकि एमजी अब थक चुका है लिजी का पीछा करते करते। हर बार लिजी किसी और के पास चली जाती है, कभी सेबेस्टियन, कभी इथन, कभी कोई और, कभी मेलबोर। और उसके लिए एमजी सिर्फ उसका फ्रेंड जोन वाला फ्रेंड है और ये एमजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और गाइज, जब कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो वो उसे बिल्कुल भाव नहीं देती है, और जैसे ही वो लड़का भाव देना कम कर देता है लड़की उसके पीछे जाती है। ये हमारे संसार का एक ही रूल है और यही यहाँ पर भी होने लग रहा है, जहां पर एमजी के पास आना चाह रही है लिजी। बट यहाँ पर एमजी ने सारी होप छोड़ दी है और उन्हें अब पता चल चुका है कि शायद उनका दोस्त इथन मरने वाला है। और यहाँ पर उसी के ब्लड पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं लिजी ने, और शायद उसके दोस्त इथन को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। और टाटा बाय बाय से याद आता है बेन, जिसको पकड़ के रखा हुआ है जेल के अंदर। और यहाँ पर बेन बाहर निकलने की रिक्वेस्ट करता है, बट यहाँ पर अलारिक उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पर बेन कन्विंस करने का ट्राई करता है कि जो उसने किया उसकी बहुत बड़ी गलती थी, उसको अपने डैड को वापस नहीं बुलाना चाहिए था, अब वो शायद हेल्प कर सकता है उन्हें वापस खत्म करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, और प्लीज अलारिक उसकी बात सुने। बट हम देखते हैं अलारिक उसकी बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसी की वजह से पिछली बार होप की धुनाई हुई थी बहुत बुरी, जिसकी वजह से अब तक वो उठ नहीं पाई है। तो शायद वो बेन पे बिल्कुल यकीन ना करे। और यहाँ से जाने के बाद वोल्डेमॉर्ट से बात करने लगता है पूरे केस के बारे में, और वहां पर वोल्डेमॉर्ट समझाता है कहीं ना कहीं किंग वापस आएगा, जैसा बेन कह रहा है वैसा हो सकता है, क्योंकि ये गॉड किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर केन के आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उनसे लड़ने के लिए होप को तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो होप होश में भी नहीं है, तो ये सोचते हुए टेंस होने लगता है, और शायद बेन को रिलीज करना और उसकी हेल्प लेना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इस मोमेंट पे हम देख सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका है लैंडेंट, और वो पहुंचना चाहता है अलारिक तक, बट तभी पैरीमैन उस पर अटैक करता है और वापस लिम्बो के अंदर लेकर आ चुका था उसे। और यहाँ पर अलारिक जाता है वापस बेन के पास वोल्डेमॉर्ट से बात करने के बाद, और उसको आजाद करने के लिए उसके पॉइंट्स पूछने लगता है कि वो क्या कर सकता है। और यहाँ पर उसको पता है उसकी जान खतरे में हो सकती है अगर वो अपने डैड के खिलाफ जाएगा तो, और ये बिल्कुल खतरनाक है उसके लिए। और अगर उसको बचाना चाहे तो उसके अंदर से उसके सारा मैजिक एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिसमें शायद बेन की जान भी जा सकती है। और यहाँ पर बेन अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ बेफालतू में मार खाई है सारे मॉन्स्टर्स से, अपने डैड से और बाकी सब लोगों से, तो अब उसे इस लाइफ का कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ रिवेंज चाहिए केन से, जो गॉड किंग है। और यहाँ पर अलारिक के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसे आजाद करने लगता है। और यहाँ पर बेन धोखा देगा या फिर साथ देगा देखते हैं अगले एपिसोड में। बट ये केन के खिलाफ क्यों लड़ना चाहता है उसका अब तक कोई सबूत नहीं मिला था, बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है केन की हेल्प लेने के अलावा। और अब इसी टाइम में लिम्बो के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर होप लेके आ चुकी थी उस फेरीमैन की तलवार, और उसे लगता है कि लैंडेंट तो जा चुका है और अब वो वापस रियल वर्ल्ड के अंदर जाने वाली है, तो उसे पकड़ा दे। बट तभी उसे दिखाई देता है लैंडेंट को पकड़ के फेरीमैन वापस लेकर आ चुका है, जिसको देख के होप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट तभी लैंडेंट एक्सप्लेन करने लगता है कि शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है, ये वापस मुझे लिम्बो में ला चुका है और शायद मुझे वापस रियल वर्ल्ड में नहीं जाने देगा। और ये देख के होप को और गुस्सा आने लगता है और उसकी हथियार को पानी में फेंक देती है और वहां से जाने लगती है लैंडेंट के साथ में, जहां पर उसने प्रॉमिस किया है कि लैंडेंट को अपने साथ लेकर ही जाएगी और अकेले नहीं जाएगी।
जहां पर लैंडर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, शायद ऐसा ना हो पाए। और रूपस ने अलारिक की बात सुन पा रहा था, वो जब वो रियल वर्ल्ड में था उनको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टाइम पे होप को उनकी हेल्प करनी चाहिए गॉड से लड़ने के लिए और वहां पर जाकर उनका साथ देना चाहिए। जहां पर होप एग्री नहीं करती और कोई स्पेल ढूंढने का ट्राई करती है लिम्बो के अंदर जो स्कूल था अल्टरनेटिव वर्जन उसके अंदर आने के बाद, और यहाँ पर उसे कुछ मिल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर होप को एक्सप्लेन करता है और समझाने का ट्राई कर रहा था लैंडेंट, जहाँ पर होप अब फिर से खोना नहीं चाहती है लैंडेंट को। बट तभी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो कुछ टाइम साथ बिताते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हुए वहां से चली जाती है होप रियल वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर लैंडेंट फिर अकेला हो चुका था, और अब अकेला होने के बाद सीधा जाता है नेक्रोमेंसर के पास, जो चिल्ला चिल्ला के फेरीमैन पे गुस्सा कर रहा है। और ये देख के बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं वापस आ चुका हूँ जैसा तुम चाहते थे। और यहाँ पर ये देख के नेक्रोमेंसर खुश है कि अब वो अकेला नहीं है। और पता चलता है फेरीमैन की तरफ से कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो जीनी ने उन्हें साइन करवाया था उसके हिसाब से वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पर फंस चुके हैं। और यहाँ पर लैंडेंट की सोल को तो जीनी के इशारों पे ही पीस मिल पाएगी। और ये देख के नेक्रोमेंसर हंसने लगता है कि जीनी ने सबको ट्रिक कर दिया, सबसे ज्यादा लैंडेंट को, और यहाँ पर लैंडेंट की आत्मा सिर्फ अब जीनी की होके रह जाएगी। और ये देख के लैंड को बहुत बुरा लगने लगता है, बट वो इसमें अब कुछ कर नहीं पाता है। और अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हम अरोरा डी मार्टेल को देख पाते हैं, जिसको अभी भी बंद करके रखा हुआ है उस कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर आ चुका था द किंग, द गॉड किंग केन। हम देखते हैं आने के बाद वो अरोरा को घूरने लगता है, और ये देख के अरोरा की हंसी छूट जाती है क्योंकि वो ओल्ड फैशन क्लोथ पहने हुए था। और ये देख के अरोरा का लगता नहीं है कि ये किंग है, इतना पावरफुल होने के बाद कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। और यहाँ पर केन को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था बेन ने जाने से पहले, कि किस तरह ये भी होप को मारना चाहती है और उन दोनों के गोल सेम है। जहां पर हम देखते हैं अरोरा को डाउट था कि शायद ये इसे टॉर्चर करेगा कुछ पता लगाने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। केन ने उसकी हथकड़ियां खोल दी और उसको फीड करने के लिए ह्यूमन भी दिया, और वो उसे बात करना चाहता है, जान पहचान करना चाहता है, जिससे कि वो होप को मार सके। और ये बेस्ट प्लान थे अरोरा के लिए, क्योंकि वो भी होप से बदला लेना चाहती थी। और यहाँ पर वो फीड करने लगती है उस इंसान पे जो केन लेकर आ चुका था अरोरा के लिए। और गाइस रियल लाइफ में दोनों हस्बैंड वाइफ है, जिन लोगों को नहीं पता उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि किसी को लड़का होट लग रहा होगा, किसी को लड़की होट लग रही होगी, तो सिंगल लोगों सिंगल ही रहो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत पहले शादी कर चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं केन को, जो बाहर आने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे था, और ये देख के अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर केन एक्सप्लेन करता है कि इसने अपनी पावर से इस जगह को इतना ब्यूटीफुल बनाया है। और यहाँ पर वो जानना चाहता है उस ट्राइब ब्रीड के बारे में, कि कैसे वो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानती है, जब यहाँ पर केन खुद यहाँ पर ही है। हम देखते हैं यहाँ पर अरोरा को इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि उसके ढंग के कपड़े नहीं है, जो कपड़े उस केन ने पहन रखे थे वो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन थे। और वो कपड़े लेके आती है उस इंसान के जिसको उसने खा के मार डाला था, और उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहती है, और उसे देखते समय बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं अरोरा डी मार्टेल को केन पसंद आने लगा था, बट इस फीलिंग को छुपाते हुए उससे बात करने लगती है अपने डील के लिए, कि उसे उसके बदले में उसका भाई जिंदा चाहिए। और यहाँ पर इसके लिए केन साफ मना करता है, और यहाँ पर अरोरा को लगता है कि शायद वो कर नहीं सकता है, इसलिए उसके साथ डील करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर वो अरोरा का हाथ मांगता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, बट यहाँ पर केन को साफ मना करते हुए अरोरा यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके लिए उसका भाई सब कुछ था और बचपन से उसके साथ ही रहते हुए आई थी, और वही उसको वापस चाहिए। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, बट हम देखते हैं यहाँ पर केन उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हम देखते हैं केन बिजली गिराते हुए उसके पास आता है और यहाँ पर अरोरा को गिरा भी देता है, बट अरोरा उससे बात करना नहीं चाहती और बोलती है कि उसकी फैमिली ने उसके बारे में सब कुछ सच बता दिया है, कि वो रियल में कैसा है, इविल है, लोगों पे टॉर्चर करता है, और ऐसे के साथ वो कभी ना रहना चाहे, बस उसे अपने भाई चाहिए। बट तभी केन अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि जो भी उसने किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, और अपनी फैमिली को मेलावोर से बचाने के लिए किया बेसिकली, और उसकी फैमिली उसको गलत समझ रही थी, बट वो अपनी फैमिली के कुछ भी कर सकता है और चाहे तो उसकी मेमोरीज के अंदर झांक के देख ले, जैसा कि उसने दूसरों के साथ भी किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं अरोरा उसकी मेमोरीज के अंदर झांकती है और पता करती है रियल में उसने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा किया था। और यहाँ पर दोनों इमोशनल होने लगते हैं, क्योंकि अरोरा समझ पाती है कि कहीं ना कहीं उसका भाई इतना भी अच्छा नहीं था, और उसकी मेमोरीज के अंदर केन ऑब्जर्व कर पा रहा था उसके भाई को, जहां पर वो उसे मैनिपुलेट करता था, उसे छोड़ के चला जाता था और कभी कभी टॉर्चर भी किया करता था।
और यहाँ पर ये देखते हुए अरोरा ने सोच लिया था कि भाई को वापस बुलाना जरूरी नहीं है, बट केन के साथ टाइम बिताने में अब उसे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये दोनों करीब आने लगते हैं क्योंकि लंबे टाइम से इनने किसी ऐसे को नहीं पाया है जिसके साथ ये टाइम बिता सके। तो बेसिकली कहूंगा इस, तो ये शामत आ चुकी है होप की, क्योंकि उसके सबसे बड़े दो दुश्मन आपस में प्यार में पड़ने वाले हैं, और स्पेशली जब गॉड एक साइकोपैथ के साथ प्यार में पड़ेगा तो शायद सब लोग खत्म हो सकते हैं। और अब रियल वर्ल्ड के अंदर होप उठ चुकी थी, और यहाँ पर बेन और अलारिक मिलके प्लान करते हैं कि कौन कैसे लड़ेगा और कैसे वो जीत सकते हैं कैन से, बट उनकी अब तक 5% की प्रोबेबिलिटी बनी थी। और ये देखने के बाद वहां से बेन जाने लगता है क्योंकि होप बात करना चाहती थी अलारिक से, जहां पर अपने लिम्बो के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और बोलती है कि आपको हाई कहा था लैंडन ने। और यहाँ पर वो दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह 5% से ज्यादा बढ़ाएंगे और वो किंग कैन से लड़ते हुए जीतेंगे भी और इन गॉड्स को रोकेंगे भी, जो देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, टाटा।